नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसमें यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। रूस के इस खौफनाक हमले को देखकर अमेरिका तक कांप गया है, जबकि ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। खून डाले 500 फीट दूर गिरी लाशें, लगभग 600 दिन की जंग के बाद भी पुतिन के हमले यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं। भले ही यूक्रेन लाख दावे करे कि उसके ड्रोन अटैक ने क्राइमिया में रूस को तबाह करके रख दिया है, लेकिन हकीकत में रूस ने 20 महीने की जंग में यूक्रेन पर और भी भयानक और खौफनाक हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के खार्किव में प्रचंड मिसाइल हमला किया है। एक के बाद एक कम से कम 3 मिसाइलों ने खार्किव के एक रिहाई वाले इलाके को भस्म कर डाला है। खार्किव में सबसे बड़ा खूंखार खूनी हमला। खार्किव, यूक्रेन मार्केट, रोजा कैफे, रोजा। खबरों के मुताबिक 5 अक्टूबर को रूसी सेना ने ध्वनि से 6 गुना तेज रफ्तार वाले इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के खार्किव में हमला किया है। खबरों के मुताबिक रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला खार्किव के रोजा गांव में उस वक्त किया गया जब 60 से 70 लोग एक मार्केट में मौजूद थे। इसके अलावा कई दर्जन लोग कैफे में बैठे हुए थे। इस्कंदर मिसाइल ने पहले रोजा की मार्केट पर हमला किया, फिर रोजा गांव के कैफे पर हमला किया। इस्कंदर मिसाइल का यह हमला इतना तीखा और तेज था कि मौके पर मौजूद 90% लोग जल कर राख हो गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी है। Когда я приехал сюда, увидел все, что происходит. Отец находился в этом помещении, где проходили поминки. Ракеты уже прилетают туда, где хоронят людей. Искандер мисайл не удая адха шехер. जरा देखिए खौफनाक और तबाही की तस्वीरों को देखिए, जो खार्किव में रोजा गांव की हैं। आग के लपटे, चारों तरफ बिखरी लाशें, तबाह इमारतें चीख चीख कर कह रही हैं कि रूस के इस्कंदर मिसाइल ने खार्किव के रोजा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। खाने पीने की चीजें खरीद रहे लोगों पर जब 800 किलोग्राम के इस्कंदर मिसाइल ने धमाका किया तो वहां मौजूद लोगों की लाशें 500 फीट दूर जाकर गिरी हैं। रूस के इस्कंदर मिसाइल 9K720 इस्कंदर ने यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन को भी समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन पर रूस के खूंखार मिसाइल हमलों को कैसे रोके। It is incredibly horrifying for the people of Ukraine, for the folks who are like yourselves, your colleagues who are reporting this on the ground, and it is for these families and these kids. So this is what is happening in Ukraine every day. This is why we're doing everything that we can to help Ukraine, to help the brave people of Ukraine to fight for their freedom, to fight for their democracy. खून डाले 500 फीट दूर गिरी लाशें। लगभग 600 दिनों की जंग के बाद रूस ने उन इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया है जहां रूसी सेना की पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेनी सेना दुनिया भर में हवा बना रही है कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब रूस पर बहुत तेज हो चुका है। यूक्रेन के टॉप कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस की पहली रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर यूक्रेनी सेना भयानक हमले कर रही है।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने ऐसा भीषण हमला किया है कि अब यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन के भी खोने का खतरा पैदा हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के किन किन इलाकों में यूक्रेनी सेना और उनके घातक हथियारों के चीथड़े उड़ाए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि खार्किव में रूस के इस्कंदर मिसाइल हमले में क्या क्या तबाही हुई है। रोजा पर पुतिन का हाहाकारी हमला। खार्किव के रोजा गांव पर रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन की सेना के दावों के मुताबिक रूस का हमला दोपहर 1:15 पर हुआ है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रोजा का छोटा सा गांव जहां पर यह हमला हुआ है, हमले में 51 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं जबकि 6 बुरी तरह से जख्मी है। रोजा कोपियान से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रोजा पर रूसी हमले को पूरी तरह से जानबूझकर किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, रूसी आतंक को रोका जाना चाहिए। जो लोग प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करते हैं वो अपराधी हैं। जो लोग अभी भी रूस का समर्थन करते हैं वो बुराई का समर्थन कर रहे हैं। Точніше, є тіла 51 людини, 31 людина особистості встановлені. Є ще, на жаль, рештки тіл, які будуть проведені експертизи, по яким і я думаю, що кількість може збільшитися людей, що сьогодні постраждали внаслідок обстрілу. यूक्रेन की थल सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की के गर्मियों तक चलने वाला यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना के ताबूत में कील साबित होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में रूस यूक्रेन पर काउंटर जीत हासिल करता जा रहा है। हालांकि अभी भी यूक्रेन यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूस से कई इलाकों को छीन लिया है। खास तौर से दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की दूसरी तरफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस ने दक्षिण यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले की जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के इन दावों पर कैसे भरोसा किया जाए कि 600 दिन में यूक्रेन ने रूस के 282,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन ने साफ ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के सिर्फ 4 इलाके ही रूस के नहीं, बल्कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन के ओदेसा ओब्लास्ट इलाका भी रूस का है और रूस हर हाल में ओदेसा ओब्लास्ट पर कब्जा करके रहेगा। जरा देखिए पुतिन का प्लान क्या है। रूस यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन पर कब्जा कर चुका है और अब यूक्रेन के ओदेसा शहर पर नजरें गड़ा दी हैं। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के 4 इलाकों में रूस ने जनमत के बाद उन्हें रूस में मिला लिया था। रूस ने दावा किया था कि उसे जनमत में लोगों का जोरदार समर्थन मिला है। ठीक उसी तर्ज पर अब पुतिन ने ऐलान किया है कि उन्होंने ओदेसा शहर को रूस में मिलाने का फैसला कर लिया है। 162.4 वर्ग किलोमीटर में फैले ओदेसा पर रूस का साफ कहना है कि इसके इलाके और शहर रूस के हैं। ओदेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहाँ 2017 की जनगणना के अनुसार 9,93,120 लोग रहते हैं। ओदेसा नौसेना के लिहाज से भी बेहद अहम शहर है, इसलिए पुतिन ने इशारा कर दिया है कि ओदेसा पर रूस कब्जा करेगा। इधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या इलाका युद्ध का केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि दक्षिण में हारते यूक्रेन ने मजबूरी में अपनी रिजर्व ब्रिगेड को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन की वो रिजर्व ब्रिगेड है जिसके सैनिक पश्चिमी देशों से ट्रेनिंग लेकर जंग में उतरे हैं। शोइगु ने दावा किया कि जून में जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से यूक्रेन के 90,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के 2 टैंक और रॉकेट आर्मी के प्रचंड हमले में यूक्रेन के 9600 से अधिक सैन्य उपकरण और हथियार तबाह हो चुके हैं। रूस के आक्रामक हमलों को देखकर साफ लग रहा है कि रूस हमले तेज करने जा रहा है। Now what is clear is that the strike is one of the deadliest since the 24th of February 2022. But of course it is far from being the only one. UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk, who saw for himself the horrific impact of such strikes, is profoundly shocked and condemns these killings. He's deployed a field team to the site to speak to survivors and gather more information.
क्योंकि सर्दियों में रूस के सामने यूक्रेनी सेना और कमजोर हो जाएगी। ऐसे में पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल से खारकीव के गांव को तबाह करके साफ संकेत दे दिया है कि अब यूक्रेन का चाहे छोटा गांव हो या फिर बड़ा शहर, रूस की सेना के निशाने पर अब पूरा यूक्रेन है।